हाँ जी, आज एक नई मूवी का, भोजपुरी मूवी का प्लान कर रहे हैं और हम लोग जल्दी शुरू करने वाले हैं। हम लोग इस महीने के एंड में या तो अगले महीने फर्स्ट वीक में इसको स्टार्ट करेंगे। पिक्चर का नाम अभी रखा नहीं है, स्टोरी पे काम चल रहा है। प्रोडक्शन नंबर वन है, प्रोड्यूसर महेंद्र शर्मा जी हैं। ये कहानी मेरी जो है पिक्चर की नए लड़कों के ऊपर है, नए जो उभरते सितारे हैं। एक टिट्टू है और एक अमित है, और ये दोनों बहुत अच्छे सिंगर हैं। इनके गाने सुने मैंने, गाने लुक देखा इनका बहुत अच्छा। जैसे कि पहले मैंने निरहुआ को देखा था, नए नए आए थे वो भी वैसे ही दिखते थे, पवन जी भी वैसे ही दिखते थे। हाँ, हम लोग मनोज तिवारी के साथ जी, मनोज जी के साथ भी काम किया, लेकिन वो उनका एक अलग जोन था। ऐसे ही ये दो नए लड़के हैं, टिट्टू है और एक अमित है। तो हम कोशिश में हैं कि इनको भी उस मुकाम पे लाया जाए। बाकी इनकी किस्मत है, इनकी किस्मत कितना साथ देती है। और सब्जेक्ट एक कॉमेडी है, और दो तीन लड़के होते जिसमें उसकी कहानी है, फुल कॉमेडी है। आज का सिचुएशन है जैसे चल रहा है, कहानी अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़रा कंप्लीट होने जब से शुरू हो जाएगी, फिर सब लोग आएंगे उधर हमारा इंटरव्यू लेंगे, तब हम कहानी भी सुनाएंगे और हमारे हीरो जो है उनके साथ बात भी कराएंगे। लोकेशन में हम लोग मिलेंगे। शूटिंग कहाँ होने वाली है? शूटिंग हम लोग मुंबई भी करेंगे, बनारस का भी कुछ प्लान है, तो मुंबई के आसपास का ही कुछ है। हाँ, और कुछ गांव में जाना पड़ेगा एक बार, हमको कहानी गांव से ही शुरू होती है। और अच्छी लोकेशन है, अच्छी टेक्निकल टीम हमारी मजबूत है, आर्टिस्ट नए हैं लेकिन टेक्निकल टीम सब पुरानी है, जो हम लोग बहुत हिट हिट फिल्में दी हुई हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इस पिक्चर को भी एक अच्छा मुकाम दिया जाएगा। और भी कौन कौन फिल्में आपकी आने वाली हैं? मेरी एक आने वाली रानी दिलबर जानी और कहानी किस्मत की, और अभी मैंने हाल ही में एक पंजाबी फिल्म भी बनाई है जिसका नाम आसरा है, उसमें रानी चटर्जी को हम लोगों ने ब्रेक दिया है। ससुरा बड़ा पैसे वाले में भी हम लोग दिया था, अब पंजाबी पिक्चर में भी दिया, लेकिन बहुत अच्छा उसने किया है। अभी हम लोग बात करेंगे ये नई पिक्चर की, जो टिट्टू और अमित जी हैं, तो हमारी शुभकामना है कि बहुत अच्छे से आगे बढ़े और नाम कमाए। सर, जैसे आपने दिनेश लाल जी के बारे में कहा, काम भी किया उन्होंने उनके साथ, क्या कहना चाहेंगे कि हाल ही में घटना हुई जिसमें दिनेश लाल जी शशिकांत जी को गाली गलौज करते नजर, क्या कहना चाहेंगे? मैं, मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो बाद में पता चला कि ये शशिकांत ने ऐसा लिखा। पहली बात तो सब नहीं करना चाहिए, हम इंडस्ट्री में सब एक भाई बहन जैसे रहते हैं, काम करते हैं, छोटी सी इंडस्ट्री है, यहीं से कमाना है, यहीं खाना है, और एक दूसरे के बारे में ऐसा बोलना अच्छा नहीं है। हमको भी थोड़ा ठीक नहीं लगा, शशिकांत जी ने बोला, उनको बुरा लगा उस चीज़ का, ऑफकोर्स बुरा लगेगा, उन्होंने पैसा लगाया है और उनके बारे में आप कोई चीज़ बोलोगे बुरी चीज़ है। अब एक आदमी ने कुछ चीज़ बनाई है, शर्ट पहन ली, कपड़ा पहन ली, उसको बोला यार बकवास कपड़ा पहना है, तो बुरा तो हर एक आदमी को लगेगा। उसका अपना खरीदा हुआ है, अपनी खरीद के अपनी चीज़ बनाई है उसने, अपना पैसा लगाया है, मेहनत की है, पूरी टीम ने मेहनत की है, तो एक बोलना अच्छा बोलो और अच्छा करो, मैं तो यही चाहता हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। अभी देखते हैं अभी आगे क्या होता है, लेकिन फिर भी ताल्लुकात क्या समझते हैं, अच्छे होने चाहिए मीडिया और को, बिल्कुल 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 सबका मिलजुल के। देखो, मीडिया तो बहुत बड़ी बात है, मीडिया से ही तो लोगों को पता चलता कि हम क्या हैं। आज मीडिया है तो स्टार है, नहीं तो कोई कुछ नहीं है। आज मीडिया उनको जगह जगह में प्रचार करती है, उनके बारे में बताती है, कभी मीडिया से भी गलती हो जाती, कभी आर्टिस्ट लोगों से भी गलती होती, होता रहता है, चलता रहता है, बस इसको ख़त्म कर देना चाहिए, कुछ आगे चीज़ें बढ़ानी नहीं चाहिए। ओके, ये हैं अमित आर यादव,
पड़ा भी है और ये रहने वाले हैं जौनपुर के और निरहुआ के आजू बाजू के ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। और ऐसा नाम पहली बार सुनेंगे, इनका नाम है टिट्टू रिमिक्स। बताइए क्या बात है? टिट्टू रिमिक्स तो पहले से रिमिक्स हो गए। बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके, बहुत अच्छे लड़के हैं लोग, इनमें जुनून है कुछ करने का, आगे बढ़ने का। देखो हम तो वही चाहते हैं कि ऐसा कोई मिले जिसमें जुनून हो आगे कुछ करने का, तो फिर हम भी उसके लिए मेहनत किया जाए और ऐसा कुछ करें कि ये कुछ नया ही कुछ चीज़ें बन जाए। और दोनों मेहनती हैं, गर्म खून है, जोश है, तो बना रहे हम लोग भी एक बड़ी बढ़िया सी फिल्म, एक कॉमेडी है, बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। अभी थोड़ा सीरियस होकर बैठा है, कॉमेडी भी कराएंगे, तो वो हमारा काम है कैसे कराना है इनसे। बस कोशिश है कि आप लोग बस दुआ आशीर्वाद रहे कि फटाफट हम लोग शुरू करके पिक्चर को लाएं। जी हम और भैया शुरुआत हमारे बम्बई से हुई और टाइम बाद 5 साल बनारस में भी कार्य जारी रहे और आज भी चला था। तो फिर इजुन भैया हमने मूवी करता नहीं है, हमारा लाइफ की पहला फिल्म है और हम चाहब कि बहुत बढ़िया बने और स्क्रिप्ट वगैरह बहुत अच्छी बाटे है। बाकी हमको भैया के साथ काम करके और इसके प्रोड्यूसर हैं बड़े भैया महेंद्र शर्मा जी, भैया बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि नए कलाकारों को इतना बढ़िया हौसला अफजाई देते हैं। और बाकी सारी फिल्में जब आएंगी जैसे जैसे उसका प्रोग्रेस होगा भैया उसे जैसे इसको मालूम पड़ेगा। बाकी सभी देखो अभी से इनके पसीने छूट गए। नहीं है थोड़ा सा तो फिल्म लाइन में आना इतना आसान नहीं है। हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि इतना आसान नहीं है कि कोई जल्दी हीरो बन जाए, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के साथ फिर दुआएं, लोगों की दुआएं, ऊपर वाले का आशीर्वाद, किस्मत, ये सब बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले मेहनत, इन लोग का रियाज। तो अभी देखो एक सिंगर जब एक्टर बनता है ना तो सिंगर की चीज़ साइड हो जाती है, पहले एक्टिंग उसकी कितनी अच्छी है वो देखी जाती है, फिर हम उसको अच्छे से तराशते हैं कि ये कितना खूबसूरत एक्टिंग कर सके। सिंगर तो है ही, पब्लिक को तो जुटाएगा जुटाएगा, लेकिन वो एक्टिंग जब अच्छी करता है ना तब बोलते हैं क्या बात। आज पवन सिंह जी को देखो कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, दिनेश लाल यादव को देखो क्या एक्टिंग करते हैं। मतलब ऐसे ही आस्ते आस्ते बस हम दर्शकों को ये बोलना चाहते हैं, बस दुआ करो कि लोग भी जल्दी आगे बढ़े, कुछ नाम कमाएं। और हमारे रिमिक्स टिट्टू रिमिक्स जी ये आजमगढ़ से, हम टिट्टू रिमिक्स आजमगढ़ से। और जब फोन गया फ्लैट पे थे अपने बनारस में, ब्रांच में रहते हैं, तो बहुत ही खुशी मिली कि इतना बड़ा मौका मिला है। आए यहाँ पर तो भैया से मिले और जब सुना कि काली भैया के साथ फिल्म करें तो खुशी का अंदाजा ही नहीं था। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छी फिल्म है। और प्रोड्यूसर इनके हैं महेंद्र विश्वकर्मा जी, भैया के साथ काम करेंगे, भैया का आशीर्वाद मिलेगा और जो सिखाएंगे भैया सीखेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में दिन ब दिन कुछ ना कुछ सीखना ही है, हमेशा सीखना ही है इस इंडस्ट्री में। बाकी भैया का आशीर्वाद है। अच्छा अभी एक गाना सुनाइए बढ़िया सा जो आपने गाया हो और हिट हुआ हो, फिर हम भी दर्शकों को सुना दिया जाए। मेरा गाना आया था से 2016 में आया था गाना, अ छोटे मोट देवरा दुलरुआ असुते सी रहना बाहे आहे, अ छोटे मोट देवरा दुलरुआ असुते सी रहना बाहे आहे, आया धिया धीरतिया में अड़ा अकरेला पेला नवा आहे, आया धिया धीरतिया में खड़ा अकरेला पेला नवा आहे। ओकरे बाद एगो गाना उड़ा लल जुग जुग जिया राजा जी, अरे सुहाग वाली राहते जैसे धैला दोनों हाथे, वो सही धिया नवा दिहा ए राजा जी, अरे तुरला चोली के रहते सिया नवा
जुग जुग जिया यार राजा जी तुरला चोली के रहते सियानवा जुग जुग जिया ये राजा जी। क्या बात है यार, क्या बात है। ये रिमिक्स है सर, देखिए अभी तो रिमिक्स कितना आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा आवाज है, बहुत अच्छा गाते, दोनों अच्छा गाते हैं। अभी देखिए अमित जी के बहुत मधुर आवाज से आप गाना सुनिए, बढ़िया सुना दे जरा, जमा दे जरा। मैं फिर लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि लाइफ का पहला फिल्म और वाली सर के साथ हम काम कर रहे हैं। बड़े भैया हैं एक गार्जियन के तौर पे, इनका हमेशा आशीर्वाद मैं चाहूँगा भैया बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और भैया हमारा सैड सॉन्ग आप सब बहुत ज़्यादा भैया लाइक करते हैं, तो मैं सैड सॉन्ग भी ज़्यादा मेरा है कि मैं सैड सॉन्ग ही गाऊँगा। तो कैसे टायर भैया वेब कंपनी से उनका नाम रहे प्यार के वादा, मैं गीत रहे भैया बड़ा प्यार गीत रहा। मोहब्बत के नाम अपना दिल से मिटा के, मोहब्बत के नाम अपना दिल से मिटा के, खुश रही जान तो ससुरा में जाके। मोहब्बत के नाम अपना दिल से मिटा के, खुश रही जान तो ससुरा में जाके। मिला नाखरी बाई कैसन घड़ी बा बुझाता ना हमके सनम, प्यारी के वादा भुला गईलू दादा ई कैसन दे दी हलू गम। जहर जुदाई जान ले ली थड़ पाके, खुश रही जान तो ससुरा में जाके। भैया वो बैक टू बैक गाना आवा था और अभी आवा था गाना, शनिवार रिलीज होता कैसेट का नाम पिया रोहिना दिया, बहुत अच्छा गाने बाटे। जैसे हर गाना का आप सब प्यार दे ला, वैसे ही तरह गाना के प्यार दी, अपना भाई के आशीर्वाद और यही तरह सम्मान दी। बाकी हम लोग आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ कही जाए। बाकी महा बाबा विश्वनाथ की नगरी के एक बार प्रेम से हो जाए। हर हर महादेव। पाजी के बारे में कहते हैं, अरे बाप रे इनके बारे में भैया जितना कह कम बा, भोजपुरी के इतना बड़ डायरेक्टर बा, मतलब कि मैं आज से नहीं बहुत छोटा था तो उसमें फिल्म आई थी ससुरा बड़ा पैसा वाला, देखो इनका छेदी सिंह का कैरेक्टर था, बहुत ही प्यारा था। तो मैं उस मतलब हमने कभी बिलीव नहीं सोचा था कि मैं कभी इनके साथ ऐसे बैठूँगा और आप रूबरू होंगे। ये तो बड़ों का आशीर्वाद है और सबसे बड़ा जो हाथ है वो महेंद्र भैया का है और हम चाहेंगे भैया लव यू, आप इसी तरह भाई पे हाथ रखें और सबको अपना प्यार देते रहें और इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कहा जाए। आपका कैसा है भैया? तो एकदम बहुत खुशी बाकी भैया के साथ फिल्म करता नहीं हम, और आशीर्वाद मिलत रहो भैया के जितना चाह, बढ़िया फिल्म आप बढ़िया पिक्चर बने, मेहनत कर रहे भैया के साथ मिलकर। कोई और गाना अपन मन पसंद? अभी मेरा एक बोलबम का गीत अभी आज का पोस्टर रिलीज हुआ है, चुनाव रहुआ चुनाव बाबा लड़ी बाबा, इसका एक गाना है मैं आप लोग को सुना देता हूँ उसको। अरे लागता के देश नहीं सुधरी रउए हिमालय से उतरी, लागता के देश नहीं सुधरी रउए हिमालय से उतरी, देश चलावल बस में नहीं खे लेता लोग के नहबा, चुनाव रवा लड़िए बाबा उपाय कुछ करिए बाबा, चुनाव रवा लड़िए बाबा उपाय कुछ करिए बाबा। क्या बात है, हम लोग एक बात बताने थोड़ा रह गया है वो ये कि इस फिल्म की जो कहानी है जो बढ़िया से लिखी गई है वो साजिद और शमशेर जी ने लिखी है, और फुल कॉमेडी फुल मसाला फुल धमाल, और हमारी टीम जो है ना ये बहुत पहले से मतलब 4-6 महीने हो गए हम लोग लगे पड़े इसमें, अब बनाना है और जल्दी बनाना है, और शमशेर जी और साजिद जी वादा करो कि हिट करेंगे फिल्म को।
ट्वीट करेंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे सर जी। आप भी रखे आइए, ये हमारी पांचों जन की टीम और बहुत ही मतलब मजबूत है बस। और आज खाली कमी है तो महेंद्र भैया की, लेकिन भैया से हम चाहब कि भैया जल्दी आए। भाई लोग आपका वेट करते रहे और लव यू भैया, लव यू लव। और फिल्म के मतलब मुख्य था क्या बोल अंग बड़े भैया बड़े और बाद फिर भैया शमशेर भैया और सादिक मलिक भैया, आप लोग से बहुत प्यार करते हैं भैया, आप लोग आशीर्वाद ही है जो इस तरह से मतलब हुआ है। बोलो एक बार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए हमारा फेवरेट सैड सॉन्ग है और सैड सॉन्ग से ही रिलेटेड हमारा मतलब जोन भी आज मार्केट में बा यूपी बिहार में भैया जो आशीर्वाद देता नहीं है। गाना तो ऐसे बहुत आए सिंगल सर डबल सर हमारे पियो कर, लेकिन सैड सॉन्ग को भैया ज़्यादा सब कहते हैं कि मेरे मूड सैड सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगता है। क्या तो मैं फिर से एक सैड सॉन्ग सुनाता हूँ, बहुत ही प्यारा सैड सॉन्ग है। पूछ लापता दिल पुरवैया से, छोड़ के गईलू रानी तू जहिया से, लूट गईल करार यार चैनारे भैल गम के बदरिया नैनारे, भैल गम के बदरिया नैनारे। बाकी तो सब भैया लोग सुना ही बड़े। क्या बात है, मजा आ गया। देखो आवाज में दर्द होना चाहिए, उनके आवाज में दर्द है तो सैड सॉन्ग बहुत अच्छा गाते हैं। ऐसा नहीं कि सैड सॉन्ग ही गाएंगे, हम तो धमाल वाले गाना गाएंगे, तरह तरह गाएंगे, आइटम भी गाएंगे और फुल धमाल भी करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे साथ रिमिक्स भैया भी है। जब रिमिक्स भैया हमारे साथ तो हर चीज हिट है भाई। रिमिक्स होना था। फिर चलिए सब लोग का आशीर्वाद चाहिए हम लोग को इस फिल्म के लिए, बहुत बहुत सबकी दुआएं चाहिए क्योंकि हम एक नया जंग लड़ने जा रहे हैं और हमारे पास पूरा है टैलेंट है, हम लोग कुछ करके दिखाएंगे, बस आप लोग का दुआ आशीर्वाद चाहिए। नमस्कार। पंखे की आवाज तो नहीं आएगी ना। हम तो ये कहब कि भैया के साथ तीन चार फिल्म आ चुकल बाटे और हमनी के पहला फिल्म बा, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़नी है भैया के और भैया जिस हिसाब से सुनने ना गाना और फिल्म इतना बढ़िया बाटे है कि मतलब जब आई तो देखो जी भैया कहानी कैसे लिखले बने, दोनों जना हीरो के सोच के कहानी लिखल गई बा कि आपके कहानी के हिसाब से दोनों हीरो के चयन भेल बा? दोनों का मतलब एक ही हुआ कि कहानी ऐसा है कि हमारे दोनों भाई फिट है उसमें, कमर्शियल पिक्चर है, कॉमेडी सर तो पहले बताए ही थे, कॉमेडी से भरपूर पिक्चर है, गाने भी अच्छे रहेंगे और पिक्चर कमर्शियल है जिसमें दोनों भाई एकदम परफेक्ट हैं, फिट है सब एंगल। इन सब से मुलाकात हुई तब लिखना शुरू किया, पहले लिख चुके? नहीं, इनसे मुलाकात तो समझिए अभी हुआ है, बस इन लोगों के गाना सुनाई है, कहानी पहले लिखा गया, इत्तेफाकन फिट बैठ गया, इत्तेफाकन हुआ और भाई लोग अच्छे सिंगर है, इनके गाने सुन के हम लोग दीवाने हो गए और बोले कि नहीं भाई इनको तो काम करना पड़ेगा इनके साथ में। तो भाई आप भी कुछ बताना चाहेंगे, जो आपके कहानी है और ये दो हीरो हैं, हीरो सिंगर है जी, सीधी सी बात है कि इनके जितने ज़्यादा गाने होंगे इनके फैंस उतने ज़्यादा चाहेंगे कि सुनना देखना, तो कितना कहानी में स्कोप रखे हैं म्यूजिक का? कहानी में म्यूजिक का स्कोप लगभग 9-10 गाने हैं, तो पांच गाना दोनों जना के। हाँ ऐसा ही मान लीजिए, क्या है कि फैमिली ड्रामा प्लस इमोशन और फुल कॉमेडी मूवी है जो अभी के सिचुएशन अनुसार फिल्में चल रही है, जो पब्लिक अभी पसंद कर रही है और वो कहानी मेरे लोग बहुत फिट बैठ रहे हैं,
कहानी तो पहले लिखी गई, उसके अनुसार उसके कैरेक्टर के अनुसार हम लोग खोजना शुरू किए कि आखिर इस फिल्म में नए ही फेस इसमें फिट बैठेंगे। तो फिर अमित भाई को यूट्यूब पे देखा गया, इनके गाने हिट दिखे, उसके बाद टीटू भाई से मुलाकात हुई, बातें हुई, फिर दोनों भाई को बुलाया गया और एक अच्छी फिल्म हम लोग मिलकर करने जा रहे हैं। कितने कलाकारों का खोज के बाद ये दो नगीने मिले आपको? कई कलाकारों, कई सिंगरों से बात हुई, उनके गाने से हम लोग देखे, उनसे बात किए, लेकिन कहानी के अनुसार हर सिंगर फिट नहीं बैठे। सिंगर तो बहुत हैं, सब हिट हैं, सबकी गाने आजकल बज रहे हैं यूट्यूब के कारण से, लेकिन जो दो भाई हैं अमित अर यादव जी और हमारे टीटू रिमिक्स, यानी हर इनके अंदर गुण मिक्स है, इसीलिए टीटू रिमिक्स है। फिल्म के अनुसार दोनों भाई फिट बैठे, इसलिए इन लोगों को मुंबई बुलाया गया। और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं बाली जी, जिनके साथ हम लोग पहला मूवी कर रहे हैं और बहुत खुशी मिल रही है उनके साथ करने में। ऐसे हम लोग कई फिल्में अभी किए हैं, हमारी पहली मूवी रिलीज होने वाली है बलवान, जो बीरा जी की है। रवि खेसारी जी का भी मूवी लिखा गया है, अभी विशाल जी का भी मूवी लिखे हैं हम लोग, कई फिल्में बैक टू बैक लिखे हैं और उसके अनुसार भी बाली जी के साथ तो पहली मूवी हम लोग लिख रहे हैं और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और सर का आशीर्वाद रहे कि हम लोग बैक टू बैक काम करें। बस जैसे कि दो सिंगर हैं, दोनों का गायकी का अलग अंदाज है जी, जी। इनका जैसे साइड मूड ज़्यादा इनको पसंद है, उनकी आवाज़ भी अच्छी लगती है साइड में, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनके जिंदगी में ढेर सारा जो है परेशानियाँ हैं, परेशानियाँ नहीं, वो आजकल की जो उम्र होती है ना, वो क्या बोलते हैं, जो अंग्रेजी ब्रेकअप कहते हैं, अच्छा दर्द से निकला होगा गीत, तो वो इनका जो दर्द से निकले हुए आशिक के नहीं आज जो भी कहानी, तो लोगों जो है इनका जो कहानी पसंद उसने अपने फिल्म में डाले, कुछ नहीं कहा साइड में उनके गाना बांटे कुछ इनका, वो तो नहीं, लेकिन फिल्म के कुछ ऐसा ही बीच में मांग हो रहा है जो साइड मूड बनेंगे हीरो और हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अनुसार हमारे भाई तो साइड का बादशाह हैं और कुछ अच्छा करेंगे ही उसमें। अच्छा अमित भाई, आप साइड गाना ज़्यादा गाते हैं क्या जिंदगी में? कई जगह पे इसी तरह से दिल टूटा होता है का? ना भैया, ऐसा कुछ नहीं है, बस खाली शुरू से जैसे हो ना कि गावत गावत जनता के रिस्पॉन्स, मतलब भोजपुरी समाज के कहा जाला कि ज़्यादा फोहर पात्र गा के नहीं हिट होना है, मेरा शुरू से एक मानना था, तो मैं सैड चीज़ को अपनाया, तो पब्लिक उस तरह से ज़्यादा अच्छा उनको लगने लगा, तो मैं सैड बैक टू बैक देने लगा, तो वही भैया उसका बाकी ऐसा फील कुछ नहीं है, और प्यार वार के चक्कर में ऐसा कुछ नहीं, सब अच्छे से काम करना है। और राइटर साहब से कौन सवाल करें चाहब कि टीटू रिमिक्स जी जिसे इनका नाम बा, इनके गायकी का अंदाज अलग बा जी जी, तो इनका कैरेक्टर से मिलता जुलता है, इनके लाइफ से मिलता जुलता कुछ चीज़ देखेंगे? नहीं जरूर देखने को मिलेगा, टीटू भाई जिस अंदाज में हैं, जिस जैसे दिखते हैं वैसे फिल्म में भी दिखेंगे, कमर्शियल फिल्म में कॉमेडी फिल्म में बताया गया, तो इस हिसाब से इनका कैरेक्टर रखा गया। टीटू भाई कुछ बताए हैं आप अपने लाइफ से जुड़ी हुई कुछ? लाइफ से जुड़ी हुई घटना क्या, मतलब रिमिक्स एक जो टाइटल है भैया ने कहा बहुत बढ़िया टाइटल है, तो ये रिमिक्स एक्चुअली मैं, मेरा आइडियल जो है हनी सिंह है, मैं हनी सिंह को अपना आइडियल मानता हूँ, क्या शुरू से उन्हीं को फॉलो किया मैंने भोजपुरी में, तो उन्हीं को देखा देखी मैंने अपना नाम हटके पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग नाम होना चाहिए, जैसे नीरहू भैया का दिनेश भैया का नाम है नीरहू, खेसारी भैया का नाम है खेसारी, मतलब एक अलग की अलग मतलब भीड़ है, भीड़ के अंदर एक पहचान में आ जाए कि हाँ ये रहा रिमिक्स, ठीक है, तो उसी तरह मैंने अपना नाम रिमिक्स रखा टीटू रिमिक्स। अभी 7 साल पहले एक्चुअली जब मैंने शुरुआत की थी तो उस समय प्रेमी टीटू प्रेमी एक फ्रेंड है उन्होंने नाम दिया था, तो उसके बाद 2014 में मैंने अपना नाम बदल दिया, रिमिक्स आगे लगा दिया, और उसके बाद एक गाना अभी फिलहाल में मेरा आया था तेरा दीवाना करके, उसी एल्बम में था छोटे मोटे एल्बम, तेरा दीवाना एल्बम का नाम था सदा। मर जाइब हम सुनला जे हमरा ना मिलबू, प्यार के रहिया पे तू जे साथे ना चलबू, मर जाइब हम सुनला जे हमरा ना मिलबू, प्यार के रहिया पे तू
जे साथे ना चलबू दिल हौ जान हौ दावा दुआ हौ तू ही त जाने जिगर सात जन्म के तू बाड़ू मोहब्बत बाड़ू तू ही हम सफर कैसे जी अब तोहरे बिन हम जाने जाना हम तो हई तोहरे ही दीवाना पांच दिन से हम तो खैले नहीं खी खाना हम तो हई तोहरे ही दीवाना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। विदा लेता नहीं है और मिल जाए फिर ना तरीके के साथ सेट पे सीधा सेट पे बाकी पहले आशीर्वाद दी भाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव।